कॉलिंग इन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जो आपको यहाँ डेट दिख रहा होगा 7/3/2019 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो हम आपको आज इस शिफ्ट में करने वाले हैं, जिसमें हम आज करेंगे रीजनिंग के आपके टोटल 25 क्वेश्चन। तो फ्रेंड आप बने रहे, पूरे 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए दिए जाएंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को चलते हैं। उससे पहले हम बता दें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड वीडियो को चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको डिस्प्ले पर यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ भाग वन यानी रीजनिंग के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पहला नंबर क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा फुल रूप से डिस्प्ले पर, तो दिया है यदि पी का अर्थ है घटाओ, ठीक है माइनस होगा, ठीक है, और एक्स का अर्थ है गुना और वाई का अर्थ है जोड़, ठीक है, और तथा जेड का अर्थ है भाग, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, जहाँ जहाँ जेड एक्स और वाई है और पी है, उसको क्या करना है, हमको चेंज कर देना है यहाँ इस नंबर में, ठीक है। तो आइए हम चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जेड की जगह भाग का निशान करेंगे ना, ये हमारा भाग का निशान हो गया। और दूसरा वाई की जगह पर क्या करना है, हमारा जोड़ का निशान करना है, ठीक है, और एक्स की जगह पर क्या करना है, हमारा गुना का। चलिए तो गुना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको टोटल गुना करके जो इसका राइट आंसर आएगा हम आपको उसी को दर्शाना है। तो चलिए अब चलते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ की ओर, जो आपको इसमें पहले क्या करना होगा। तो आइए अब आगे क्यों चलते हैं। जैसे कि आपको 54 में 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 18, ठीक है, और ये y की जगह क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस कर देंगे, और ये 22 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 110, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 128, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, जो आपको दिख जाएगा इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से क्या है, एक जैसे हैं, और एक क्या है हमारा अलग है, उसको हमको चुनना है। आइए तो हम यहाँ देखेंगे, Q से S जाएंगे तो कितना 2+, ठीक है, और S से W जाएंगे तो कितना 4+, ठीक है, इसमें 2 और +4 का रेशियो चल रहा है। इसी प्रकार हम L से N जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2+, और N से R जाएंगे तो कितना 4+, ये भी सही है। F से H जाएंगे तो 2+, और H से L जाएंगे तो क्या 4+। अब देखिए N से हम P जाएंगे तो 2+, ठीक, और P से R जाएंगे तो क्या 2+ में हो जा रहा है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जो एक कागज का टुकड़ा दिया गया है जिसको आपको फोल्ड करके आपको इस फिगर को दर्शाया गया है, और इस फिगर में आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें से आंसर होगा, ठीक है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार से मोड़ा जा रहा है, फिर उसको इधर से मोड़कर ये 3, 5, 4 छेद कर दिया जा रहा है, उस छेद में कौन सा मैच करेगा, ठीक है। आइए तो जैसे कि आपको हम बता दें, ये 3, 4 छेद है, तो सबसे पहले अब यहाँ आ जाएगा इस पर, फिर जो ये सेम फिगर है वो आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो इधर से ये लाइन हो जाएगा बिंदु वाला, और इधर से, और इधर से, ठीक है, अब जो बिंदु यहाँ होगा यहाँ यहाँ सट जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ी सी इमेज को ध्यान से देख लीजिए, बी ही राइट इसका आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बता रहे हैं 5 कुर्सियाँ है, C1, C2, C3, चलिए सी यानी चेयर, और 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जो अब एक के ऊपर रखा गया, मतलब लाइन बाई लाइन रखा गया है, तो हमको बताना है मध्य में कौन होगा इस पर का। तो देखिए जैसे आपको बोला है C2 के ऊपर C1 है, यानी नीचे क्या है C2 है, यानी दूसरा नंबर चेयर सबसे नीचे है, उससे ऊपर क्या है एक नंबर है, ठीक है। अब बोल रहा है C4 के ऊपर क्या है C3 है, तो C4 के ऊपर हम क्या करेंगे C3 यानी तीसरा को लगा देंगे, ठीक, ये पर से, परंतु C5 के नीचे, C5 के नीचे क्या है, मान लो हम यहाँ 5 रखते हैं, तो 5 के नीचे क्या है C1 इसके 5 के नीचे ही है, और क्या है, और C1 के
ऊपर सी फोर है, देखिए सी वन के ऊपर क्या है, सी फोर है ना, मतलब एक के ऊपर चार है, तो कहाँ ऊपर, कहाँ ए फाइव कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा, तो मध्य में कौन होगा, मध्य में कौन होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए तो किसमें, चार किसमें, ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, ए के ऊपर दो के ऊपर एक है और चार के ऊपर तीन है, जो अब पांचवा का बोल रहा है कि पांचवा जो कुर्सी है वो ए नीचे है और ए के ऊपर क्या है, चार है, तो ये एक के ऊपर चार है ना, मध्य में पूछ रहा है, मतलब बीच में कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नीचे क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कोड भाषा में हमको ये लिखा गया है, इसी कोड भाषा में इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए इसमें किस रूल को पालन किया जा रहा है। हम डी से ए जाएंगे तो क्या पीछे की ओर -3 जाएंगे ना, -3, एच से ई की ओर जाएंगे तो -3, इस सब -3 मतलब पीछे की ओर जा रहा है -3 की प्रक्रिया में, ठीक है। इस वर्ड को आइए हम ई को -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा बी आ जाएगा, चलिए। और उसी प्रकार एक्स को करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, पी को करेंगे तो एम आ जाएगा, उसके बाद ओ को करेंगे तो एल आ जाएगा, उसके बाद एस को करेंगे तो पी, और ई को करेंगे तो बी। ये देखिए तो ऑप्शन किस में आ रहा है, ध्यान से आपको ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दिख गया, यहाँ बी यू एम एल पी बी। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन को चलते हैं, सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो आपको ये रिक्त स्थान दिए गए इसको पूरा करना है, जो जो ये तीनों स्टेप से चलते आ रहे हैं इसी प्रकार ये चलता है। सबसे पहले इसको मैं बात हम बता दें, आपको तो ए दिख जाएगा कि तीनों में है, तो ए का टेंशन खत्म हो जाएगा कि ए तो बीच में रहेगा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं एम से एस जाने में आपको कितना लग रहा है, 6+, ठीक है, 6+ यानी एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, ये बात होता है, ठीक है। फिर एस से हम वाई जाएंगे तो कितना, 6+। अब देखिए वाई से हम 6+ जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, वाई से 6+ जाएंगे तो क्या ई आ जाएगा, ठीक है। तो ई ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन नीचे दिए गए तो इधर क्वेश्चन है, आइए सातवां नंबर को जूम करते हैं। जो आपको देखिए इसमें बताना है सेब आम और नारंगी किसी ना किसी प्रकार से आपको ये कैसे एक रूप में है, फिगर के अनुसार ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसे सेब आम और नारंगी, ये आपको क्या है अलग अलग नहीं है, तीनों क्या है एक फल ही है, जो आपको ये फल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा आठवां नंबर। जो आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है देखिए, हाँ इस फिगर को हमको पूरा करना है, ठीक है, इसी फिगर को पूरा करना है। तो ये देखिए ये फिगर और ये एकदम सेम मैच है, ठीक है, तो इसको जो हमको करना है ये वाले फिगर को कैसे करना है, तो ये सेम तो होगा नहीं, तो इसके लिए आपको सेम करिएगा तो इस प्रकार हो जाएगा, इसलिए आपको सबसे इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैसे ये करके और ये इसका उल्टा पलट देना है, ठीक है, प्लस वाले में पलटने से आपको सेम वही रह जाएगा, तो इसका गलती मत करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन को चलते हैं, नौ नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन क्या है, जो चार विकल्प दिए गए तो इसमें से तीन किसी न किसी प्रकार से क्या है एक जैसे हैं और एक हमारा अलग है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ आप पहले ऑप्शन देखिएगा, चार और दो को जोड़ेंगे तो छ आ जा रहा है, ठीक है, तीन और तीन को जोड़ेंगे तो क्या आ जा रहा है, छः आ जा रहा है, दो और पाँच को जोड़ेंगे तो सात आ जा रहा है, और यहाँ तीन और पाँच को जोड़ेंगे तो क्या नौ आएगा, आठ ही ना होगा, तो कौन सा अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको करके दिखा बताना है कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या है, दसवां नंबर। ध्यान से इस फिगर को देख लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसलिए कि ये कुछ बड़ी सॉल्व क्या बोलते हैं बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आपको फिगर देखकर बता देना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर करके कमेंट में बताइए। पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको इसमें दो या तीन क्वेश्चन आपको ये दिए जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं,
11 नंबर क्वेश्चन है, जो यदि बी को क्या लिखेंगे हम, 9, एफ को 3, क्यू को 2, डी को 8, टी को 1 और एम को 6 और के को 7, तो ये जो वर्ड दिया गया है इसमें अंक में क्या लिखना है ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एफ को क्या लिखना है, 3, और टी लास्ट वाले को देखेंगे, टी को क्या लिखना है, 1। तो 3 और 1, स्टार्टिंग में 3 किस में है, देखिए स्टार्टिंग में 3 सब में है, लास्ट में 1 किसका है, ऑप्शन नंबर बी, आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी नंबर बार दीजिएगा, ठीक है, लेकिन समय अवधि आपको बचेगा। यदि 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है, देखिए लड़कों के एक क्लब में ए आगे से 15वां स्थान है, पीछे से पीछे 3 गुना है, ठीक है, जिसके अनेक क्या, आइए क्वेश्चन ऊपर क्यों चलते हैं, और बताना है कि ए के क्लब के निचले से 7वां स्थान लड़का कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता दे आपको, ऊपर से ये आपका ये कौन सा स्थान पे है, 15वां, यानी इसके ऊपर 14 लड़के हैं, और यहाँ कौन सा है, ये स्थित है 15वां लड़का, ठीक है। इसके नीचे टोटल हमारे कितने लड़के होंगे, 14, 3 गुना बोला है ना क्वेश्चन में, 14 42, टोटल टोटल क्वेश्चन 42 लड़के हुए। अब इसमें से 7वां स्थान पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ के लिए, तो हम इधर पीछे वाला लड़का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7वां पूछ रहा है, तो 7 में से हम 7वां को बताना है, तो क्या करेंगे हम, 42 में से 7 तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 35। तो टोटल ये 7वां नंबर लड़का कितना हो जाएगा, ऊपर से 35 लड़का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जिस प्रकार से आपको ये ए का जो ये है संबंध इस प्रकार है, इसी प्रकार से यहाँ से कौन सा संबंध में आपको रूल लागू होकर और ये आपको आंसर लाएगा, चलिए आइए हम देखते हैं। ए में प्लस 1 करेंगे तो बी, सब में प्लस 1 करते जाएंगे ये अगला स्टेप मिलते जाएगा, इसी प्रकार सी में प्लस 1 करेंगे तो डी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद डी के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और एफ के बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और एच के बाद जे हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 14 नंबर भी क्वेश्चन आपका सेम यही है, जो आपको इस रूल से ये पालन हो रहा है, इसी रूल से इसको भी हम पालन करेंगे, तो आइए तो हम देखिए, पीछे वाला इसको नहीं करना है, ये पीछे वाला दिया गया है और आगे वाला ही करना है, तो आप एक चीज ध्यान से इसके अनुसार डिकोडिंग चलिए इसके, ठीक है। तो आइए सी को हम बी को लाएंगे तो क्या, प्लस 1, ठीक है, क्या किए, प्लस 1, फिर आपको ई से सॉरी माइनस 1 करेंगे, 3 में से दोगे माइनस 1, फिर आपको ई से डी जाएंगे तो माइनस 1, इसी प्रकार माइनस 1 करते जाएंगे। तो अब आइए माइनस 1 करेंगे तो सारा आ जाएगा लाइन बाई लाइन, डी के माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, और एफ को करेंगे माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, एफ सॉरी ई डी सॉरी एफ को करेंगे माइनस 1 तो क्या आ जाएगा हमारा, ई आ जाएगा, और आई को माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आएगा, और एम को माइनस 1 करेंगे तो एल आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, जिस प्रकार कवि का संबंध कविता से उसी प्रकार से संबंध बताना है, इसमें क्या हो जाएगा, लेखक का क्या संबंध हो जाएगा आपका, किताब से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, जो देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है सभी पेंसिल क्या है, घर है, सभी पेंसिल को हम पी से डोनेट करते हैं और क्या है, घर कर देते हैं, यानी हाउस एच से, और कुछ इरेजर पेंसिल है, कुछ इरेजर क्या है, पेंसिल भी है, इसको इसे डोनेट करते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा, एक मिनट, यहाँ सभी पेंसिल क्या है, घर है, ठीक है, और यहाँ सभी घर क्या है, इरेजर है, मतलब पूरा इरेजर हो गया, इसे इसको डोनेट कर दें। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर, कुछ पेंसिल इरेजर हैं, कुछ पेंसिल क्या है, इरेजर है, बात सही है, और कुछ इरेजर क्या है, पेंसिल है, ये भी बात सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसका दोनों निष्कर्ष क्या है, सही रूप से काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, जो आपको टी ये फिगर देख रहा है वो आपको इस में 1 2 3 4 में कौन से में फिगर में आपको ये मैच करेगा,
तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये टी आपको किस में मिल रहा है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 18 नंबर को चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, बस इसमें बताना होगा कि आपको ये जो ए दिख रहा है ये मिरर में इस प्रकार इसमें किधर दिखेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो मैंने आगे बताया था आपको 17 नंबर क्वेश्चन, सेम उसी पर आधारित है। आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। 19 का जल्दी से जाइए और कमेंट करके बता दीजिए कि 19 का राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो चलिए फ्रेंड आगे क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जो आपको ये पद श्रेणी जा रहे हैं इसमें नेक्स्ट पद क्या होगा, यही हमको बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, 35 में 5 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 40, ठीक है। और 40 में 15 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 55। अब 55 में 25 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 80। 80 में क्या जोड़िएगा कि हमारा 105 आ जाए, तो 35 जोड़िएगा, ठीक है। और 35 में क्या जोड़े, तो 35 में क्या जोड़े, 45 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 115 में 45 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 160। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, जो आपको चार विकल्प दिए गए जिसमें से आपको एक अलग है और तीन एक प्रकार के हैं। तो हमारा क्या है, बोतल, बाल्टी, नदी, जार। जार यानी आपको क्या होता है, शीशा का जो हमारा बुयाम होता है उसको बोलते हैं जार या जग। चलिए तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलग से हैं। आगे क्यों चलते हैं, हम 22वें नंबर की ओर चलते हैं और इसका क्या करना है, हमको नेक्स्ट पद को ज्ञात करना है, ठीक है। तो 45 दिया गया, 45 के आगे 49, तो ये किस रूप से पालन करें, देखिए यह आपको 45 में आप 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 को ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 49। और इसमें 49 में 4 का 3 का स्क्वायर 9 को ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 58। 58 में फिर आपको किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16 को ऐड करिएगा तो 64। फिर 64 में आपको किसका, 5 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 99, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चलते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए, इन दोनों को माइनस करिएगा तो कितना जाएगा, 343। 343 किसका क्यों होता है, 7 का, ठीक है। उसी प्रकार ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512। और 512 किसका क्यों होता है, 8 का। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ, जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।